नमस्कार, कुक विद भावना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन। गुलाब जामुन सभी को बहुत पसंद होते हैं, लेकिन आज हम जो गुलाब जामुन बना रहे हैं, हम उसे व्रत में भी खा सकते हैं। ये गुलाब जामुन हम शकरकंदी से बनाएंगे। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। और रेसिपी शुरू करने से पहले, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए हम इंग्रेडिएंट देख लेते हैं एक बार। यहाँ हमने लिया है शकरकंदी, जो कि हमने उबाल ली है और उसे ग्रेट कर लिया है, यानी कि कद्दूकस कर लिया है। ये हमने 1 कप लिया है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पर हमने लिया है मावा। ये 50 ग्राम मावा हमने लिया है, जिसे हमने कद्दूकस करके रख लिया है। और चाशनी के लिए हमें चाहिए 1.5 कप चीनी, और 1.5 कप चीनी के साथ हमें 1.5 कप पानी भी चाहिएगा। और यहाँ पर हमने लिया है 1 पिंच सोडा, खाने का सोडा। और यहाँ पर ली है आधी छोटी चम्मच हमने इलायची पाउडर, और 1/4 कप यहाँ पर हमने ले लिया है सिंघाड़े का आटा। और घी हमें चाहिए गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए। आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं, और यदि आपके पास मावा नहीं है तो आप इसकी जगह 1/4 कप मिल्क पाउडर ले सकते हैं। तो चलिए अब हम गुलाब जामुन बनाना शुरू करते हैं। व्रत के गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ एक बोल ले लिया है, और उसमें हम जो शकरकंदी हमने ली थी कद्दूकस करके, उबाल करके, वो हम ले लेते हैं। और उसके बाद इसी में हम जो हमने 1/4 कप सिंघाड़े का आटा लिया था, वो हम इसमें मिला देते हैं। और उसके बाद ये जो मावा हमने लिया है, वो भी इसमें हम मिक्स कर देंगे। और हमारा इलायची पाउडर भी हम इसी में डाल देते हैं। और अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं सभी चीजों को। हमने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अभी हमें इसे 5 मिनट तक अच्छे से मसलते रहना है। हमारा डो बिल्कुल तैयार है। अच्छा सॉफ्ट डो हमें बिल्कुल बना के तैयार करना है। लगभग 5 मिनट आप इसे मसलिए, और ये अच्छा बिल्कुल सॉफ्ट डो बन के तैयार हो जाता है। बिल्कुल इसमें लम्प्स नहीं रहनी चाहिए। एक चिकना डो आपको तैयार करना है, और थोड़ा सा इस पे घी लगा के अच्छे से मसल लें आप। और इसके बाद अभी हम छोटे छोटे इसके गुलाब जामुन बनाएंगे। और ये देखिए, इस तरीके से आपको छोटे छोटे बॉल्स बना के तैयार कर लेने हैं सारे डो के। फ्रेंड्स, आप जो बॉल बना रहे हैं उसमें कहीं से भी बिल्कुल भी क्रैक नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से आप बनाइए इसे। ये हमारे गुलाब जामुन के लिए बॉल्स बिल्कुल रेडी हैं, और अभी हम इन्हें एक तरफ रख देते हैं। और अभी हम पहले चाशनी बना लेंगे। यहाँ हमने ये चाशनी चढ़ा दी है गैस पे, यानी हमने एक पैन लेकर के उसमें जो हमने चीनी ली थी 1.5 कप, वो चीनी डाल दी है, और 1.5 कप ही हमने उसमें पानी डाल दिया है। और अभी हम इसे पका लेते हैं। हमें कोई भी तार की चाशनी नहीं चाहिए, बस चिपचिपी चाशनी हमें बनानी है गुलाब जामुन के लिए। चाशनी को बीच बीच में चलाते रहें आप, ताकि शक्कर जो है इसमें वो अच्छे से घुल जाए। हमारी चाशनी में उबाल आ चुका है, अभी हमें इसे थोड़ी देर ही पकाना है बस, चिपचिपी चाशनी बनने तक। इस समय अभी आप इसमें केसर डाल सकते हैं। आप यदि इलायची पसंद करते हैं तो आप इलायची डाल सकते हैं, गुलाब जल डाल सकते हैं, जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो वो आप इस चाशनी में मिला सकते हैं। हमारी चाशनी को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, और अभी ये बिल्कुल तैयार है। तो अभी हम गैस ऑफ कर देते हैं। अभी हमने चाशनी को एक तरफ रख दिया है, ताकि वो हल्की ठंडी हो जाए। बिल्कुल ठंडा नहीं करना है हमें उसे। चाशनी गर्म चाहिए हमें, लेकिन बहुत ज्यादा गर्म नहीं चाहिए। और यहाँ हमने एक कढ़ाई में घी गर्म करने के लिए रख दिया है, जिसमें हम गुलाब जामुन फ्राई करेंगे। आप चाहें तो ऑयल ले सकते हैं। हमारा घी गर्म हो चुका है। हमें गुलाब जामुन तलने के लिए बिल्कुल हल्का गर्म घी चाहिए, और ये बिल्कुल हल्का गर्म हो चुका है। आप देख सकते हैं इस तरह से हाथ आप ऊपर रख करके, और देख सकते हैं हल्की हल्की हीट आ रही है। तो मतलब हमारा घी बिल्कुल तैयार है अब गुलाब जामुन डालने के लिए। तो हम एक एक करके इस तरह से हम इसमें जो हमने बॉल्स बना के रखे हैं,
वो डाल देंगे इसमें। एक बार में आप ज्यादा गुलाब जामुन नहीं डालें, अभी हमने इतने गुलाब जामुन इसमें डाले हैं और अभी हम अगले 2 मिनट तक इसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, कोई भी चम्मच या कुछ भी हम इसमें कढ़ाई में नहीं डालेंगे। आपके घर में इस तरह की मथनी इसे बोला जाता है ये जरूर होगी। तो इसका जो पीछे वाला पार्ट है इससे हम गुलाब जामुन को थोड़ा सा हिला लेंगे। आपको इसमें चम्मच बिल्कुल नहीं डालना है, हमारे गुलाब जामुन टूट सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरीके से आप इसे चारों तरफ से फ्राई कर लें और हमारी जो फ्लेम है गैस की वो बिल्कुल स्लो होनी चाहिए, लो फ्लेम पे ही हमें इसे पकाना है। और यदि आपके पास इस तरह की मथनी नहीं है तो आप इस तरीके से कढ़ाई को इस तरह से घुमा घुमा के चारों तरफ से आप गुलाब जामुन अच्छे से फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से बहुत अच्छा हमारी गुलाब जामुन का कलर आ रहा है, हल्का ब्राउन। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे गुलाब जामुन बहुत ही बढ़िया ब्राउन कलर के हो चुके हैं और बहुत अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुके हैं, सब तरफ से एक जैसा कलर आ चुका है इसमें। अभी हम गैस ऑफ कर देते हैं या इन्हें बाहर निकाल देते हैं हम। अभी हम इसे बहुत ही सावधानी से एक प्लेट में ले लेंगे। ये देखिए कितने बढ़िया हमारे गुलाब जामुन बने हैं, इनको देख के बिल्कुल नहीं लगता है कि ये हमने शकरकंद से बनाए हैं, ये बिल्कुल खोए के गुलाब जामुन की तरह ही लग रहे हैं। ये बिल्कुल कहीं से भी फटे नहीं है, बहुत अच्छे से फ्राई हुए हैं। ये देखिए अभी हम जो हमारे बाकी के गुलाब जामुन है वो भी फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डाल देते हैं। फ्रेंड्स हमने गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं कढ़ाई में और जो हमने ये गुलाब जामुन फ्राई किए हैं उसे हम चाशनी में डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए आप और इसे हम ढक देते हैं। अभी हमारी दूसरी बार के गुलाब जामुन को भी हमें उसी तरीके से बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करना है और बीच बीच में इसे इस तरीके से आप घुमा घुमा के अच्छे से चारों तरफ से डीप फ्राई करें और आप इस तरह से कढ़ाई को भी घुमा सकते हैं। हमारी दूसरी बार के गुलाब जामुन भी बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, बिल्कुल अच्छा ब्राउन कलर आ गया है। तो अभी हम गैस ऑफ कर देते हैं और इन्हें किसी प्लेट में निकाल लेते हैं और 1 मिनट हल्का ठंडा होने के बाद इसे चाशनी में डालेंगे हम। ये देखिए ये भी हमने निकाल लिए हैं कढ़ाई में से, अभी हम इसे चाशनी में डाल देते हैं। अभी इसे भी हम चाशनी में अच्छे से डुबो देंगे और इसे हम ढक करके 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये अच्छे से चाशनी इनके अंदर तक चली जाए। अभी हम इन गुलाब जामुन को इसी तरह से चाशनी में ढक करके 1 घंटे के लिए रख देंगे ताकि जो हमारे गुलाब जामुन है वो अंदर तक सॉफ्ट हो जाए और उसमें चाशनी अच्छे से चली जाए। फ्रेंड्स हमारे गुलाब जामुन बन करके बिल्कुल तैयार हैं, आप देख सकते हैं कितने अच्छे गुलाब जामुन हमारे बने हैं वो भी व्रत के। तो यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ।